जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुख जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, बात कर लेते हैं करवा चौथ की। करवा चौथ की सभी सुहागन महिलाओं को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और जो कुंवारी बच्चियां हैं, जो कुंवारी कन्या हैं, उनको अच्छा घर बार मिले, इसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। करवा चौथ के व्रत से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, और कुछ और बातें भी है नहीं, सारी लेकर आज की वीडियो में मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात करूँ करवा चौथ व्रत की, यानी 20 अक्टूबर की, यानी कि दिन रविवार की। प्रीवियस वीडियो में आपने चंद्रोदय का समय भी जाना है, सुबह की पूजा का समय भी जाना है, कहानी जरूर करनी चाहिए ये भी जाना है, और क्या आपको खरीदना है और क्या नहीं खरीदना ये भी जाना है। इससे अलग चीजें आप क्या करते हैं, प्रातः काल से लेकर शाम तक की चीजों को देख लीजिए। पहले आप नहा धोकर, आपने अगर सर्गी आपके यहाँ खाने का रिवाज है तो जरूर खाइए, उसके बाद बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। प्रातः काल आप फिर नहा धोकर जो भी है आप अपना व्रत का संकल्प लीजिए, माता पार्वती को श्रृंगार भेंट कीजिए, ठीक है। उसके पश्चात पूरा दिन आप अपने इस इधर उधर की बातें ना करते हुए माँ गौरा का ध्यान करिए। अब बात आती है बायने की, यानी कि बायना अपने घर के बुजुर्गों को दिया जाता है ससुराल पक्ष में, मायके पक्ष में बायना नहीं दिया जाता। यानी आप जो भी पूजा करती हैं तो उसके साथ श्रृंगार का सामान होना चाहिए, साड़ी सूट जो भी आप लाई हो वो होनी चाहिए, फल मिठाई जो भी आप रखें वो होनी चाहिए, उसके साथ एक लिफाफा होना चाहिए, यानी कि कहते हैं ना दान के साथ अक्षरा जरूरी है, भेंट स्वरूप। तो अगर आपकी जो सासू माँ है और आपके ससुर नहीं है तो क्या आप उनको ये दे सकती हैं? तो आप उनको नहीं देंगे, लेकिन आप अपनी ननद को दे सकती हैं, आप अपनी जेठानी को दे सकती हैं, अपनी से बड़ी और कोई महिला है, ताई चाची वगैरह ससुराल पक्ष की तरफ, अपनी सास से इजाजत लेकर कि किसको देना, उनकी सलाह लेकर उनको उनका महत्व बताते हुए आप उनको दीजिए, जिनको वो कहें, ठीक है। उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद तो जरूर से जरूर ले लीजिएगा। ऐसे तो इस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया, जैसे ये आपका दामन है इसे फैलाकर इस तरह से इसे ढक कर दिया जाता है, और इसे फैलाकर फिर सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया जाता है, यानी कहूं तो सुहाग लिया जाता है। पति की बात करूं, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि उपहार क्या देना चाहिए और उपहार क्या लेना चाहिए। ये वीडियो खाली महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुष भी इस वीडियो को देख सकते हैं। नहीं, आपस में एक दूसरे को क्या उपहार देंगे, तो आप अपनी पसंद का बहुत कुछ लाई होंगी, या हो सकता है आपके हस्बैंड ने दिलाया हो या आपके हस्बैंड ने नहीं दिलाया, आप खुद लेकर आई हो। लेकिन एक खास चीज बता दे रही हूँ जो आप लोगों को जरूर लानी चाहिए, आप अपने हस्बैंड को एक चांदी का सिक्का जरूर दीजिए आज के दिन। कहते हैं जब पत्नी लक्ष्मी स्वरूपा होती है, और अगर अपने पति के लिए एक चांदी का सिक्का लेकर आती है और वो चांदी का सिक्का उसको भेंट करती है तो उसके बारे न्यारे हो जाते हैं, उसके काम में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। तो पत्नी को ये देना चाहिए, पति को अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए जितनी जिससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है ऐसी वस्तुओं को देना चाहिए। आप इत्र दे सकते हैं, परफ्यूम दे सकते हैं, वैसे इत्र देना चाहिए, परफ्यूम तो मैं कब प्रीफर करती हूँ, तो इत्र दे सकते हैं, लग्जरी की कोई भी चीजें दे सकते हैं, जो आप पे संभव वो दे सकते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को इत्र जरूर भेंट करिए और पायल जरूर भेंट करिए। कहते हैं कि जिस घर की स्त्रियां छम 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 करती हुई घूमती हैं वहां से नेगेटिविटी दूर हो जाती है और माता लक्ष्मी अट्रैक्ट होकर हमारे घर के अंदर आती है और पति पत्नी के बीच में प्रेम भी बढ़ता है। तो चांदी की ही चीजें ले लीजिए, बाकी अपने गोल्ड डायमंड कुछ भी खरीदा हो वो आपकी अपनी इच्छा है, अपनी श्रद्धा है। इसी के साथ साथ मीठा पान एक जरूर अपने सामान में लाकर रखिएगा। कहा जाता है पति पत्नी मीठे पान का आज के दिन अगर सेवन करते हैं, दोनों मिलकर एक ही पान को थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो उनमें प्रगाढ़ प्रेम बनता है, माता पार्वती की कृपा बरसती है और उनके दोनों में आपस में बहुत प्रेम होता है। ये कार्य आपको जरूर करना है। पति के साथ कोई भी जबरदस्ती या गुस्सा या ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे कि आपके हस्बैंड उस दिन रुष्ट हो। वैसे तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, परंतु छोटी छोटी बातें कभी कभी ऐसी हो जाती हैं तो अवॉइड करना चाहिए। किसी फेस्टिवल के दिन तो खास तौर से अवॉइड करना चाहिए, जिससे वो त्यौहार जो है बहुत अच्छे से खुशी खुशी निकल जाए, बाद में आप अपनी शिकायत भले ही कर लें। तो ये वाली चीजें आपको जरूर कर लेनी चाहिए, भले ही मोबाइल दें, वो आपको लग्जरी दें, गाड़ी दें, कुछ भी भेंट करें, लेकिन जो चीज जरूरी है वो मैंने को आपको बता दी। पति पत्नी आपस में क्या उपहार दें, बायना किसको दें, बायना किस प्रकार से दें, माता गौरा को जो श्रृंगार की सामग्री अर्पित की है, अगले दिन जब व्रत का पारण होगा करवा चौथ के अगले दिन यानी 21 अक्टूबर को, उस समय वो श्रृंगार ना माता रानी से ले लेते हैं, माता रानी से वो श्रृंगार ले लीजिएगा, वो आप
सिंदूर तो किसी को मत दीजिएगा, बाकी चीजें आप चाहें तो अपने घर परिवार में दे सकती हैं, लेकिन वैसे श्रृंगार जो पार्वती जी को अर्पित किया जाता है वो हम स्वयं भी लेते हैं, लेकिन हर घर का थोड़ा अलग अलग हिसाब होता है। कुछ घरों में इस तरह से किया जाता है कि आपस में वो श्रृंगार बांट दिया जाता है, तो आप ये प्रयत्न करिए कि सिंदूर आप किसी को ना दें, ना ही किसी से लें। करवा चौथ वाले दिन कितनी भी आपका कोई सगा हो उसको सिंदूर नहीं दे, उससे सिंदूर नहीं ले, सुहाग की सामग्री नहीं दे, सुहाग की सामग्री नहीं ले, इस बात का आपको पूरे से ध्यान रखना। अब बात होती है अगर आपके पति दूर रहते हैं तो क्या आपका व्रत पूर्ण होगा या खंडित हो जाएगा। आपके पति दूर रहते हैं तो आपका व्रत पूर्ण होगा। आप जिस समय चंद्रमा निकलता है अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल करिए, वीडियो कॉल पर उन्हें लेके चंद्र दर्शन करिए, उनके दर्शन करिए, चंद्रमा को अर्घ दीजिए, उतनी देर वो लाइन पर रहेंगे, उसके बाद आप उन्हीं के हिसाब से उनके हाथ से आप जल ग्रहण करके उन्हें खिलाइए, फिर स्वयं पीजिए और अपने व्रत को खोलिए। व्रत पूर्ण ही माना जाएगा। अगर आपके इन लॉज दूर रहते हैं तो जरूर इस व्रत के दिन आप उनके चरण स्पर्श करिए, वीडियो कॉल करिए, उनसे बात कीजिए, उनको उनकी अहमियत बताइए, आप उनको अब आपको उनकी बहुत जरूरत है ये भी बताइए, त्योहार के बारे में उनसे बात कीजिए। इस प्रकार करवा चौथ का जो दिन है वो खुशी खुशी सोना श्रृंगार कर कर हंसते गुनगुनाते भगवान का स्मरण करते आप व्यतीत कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलती हूँ और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपना को ख्याल कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए। ईश्वर आपके